मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। आइए दोस्तों, आज फिर से आपका विद्या किचन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको लौकी और मूंग की दाल की सब्जी बनाना सिखाएंगे। लौकी और मूंग की दाल बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, जहाँ तक कि बड़े भी बहुत नाम नकुर करते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम आपको आज सिखाएंगे, उस तरीके से अगर आप घर पे लौकी और मूंग की दाल बनाएंगे तो ये यकीन मानिए कि बड़े तो बड़े, छोटे भी कहेंगे कि हमें जल्दी खाना दीजिए। दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पे आपको बताते हैं, ये 200 ग्राम हमने दाल ली थी मूंग की, और इसको हमने अच्छे से बीन करके साफ़ करके इसे धो करके इस बर्तन में रखा है। ये देखिए भीगने के बाद कितने अच्छे से फूल गई है, इसे साफ़ कर लिया है। अब हम इसे क्या करते हैं कि हम इसे कुकर में डाल करके बॉयल कर लेंगे। ये हम 5-6 लोगों के लिए तैयार करेंगे दाल, आप जितने लोग। दोस्तों हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे सिर पर भी, और 1 चम्मच हम खाली थोड़ा सा नमक डालेंगे रखकर, और इसमें हल्दी वगैरह हम अभी कुछ ही डालेंगे, सिर्फ नमक के साथ इसे हम गैस पे बॉईल करने के लिए रख देते हैं। बाकी सब्जियां हम इधर काट लेते हैं। दोस्तों इसे मीडियम गैस पे रखिएगा, और 1 सीटी आने पर ही गैस को बंद कर दीजिएगा। इसमें 1 सीटी से ज़्यादा नहीं लगाना, नहीं वरना दाल आपकी घुट जाएगी, वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों ये देखिए लौकी है, हमें इसको इस तरीके से काट करके इसके जो अंदर का भाग होता है गूदा जैसा, इसे हमें निकाल देना है। इसे हम इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रखेंगे इस तरीके से, और इसके बारीक बारीक पीसेस कर लेंगे छोटे छोटे, और हम इन्हें उबाल लेंगे कट करके। ये देखिए हम इस तरह से इसको पूरी लौकी को इस तरह से छोटा छोटा पीस कट कर लेंगे और इनको बॉयल करेंगे। ये दोस्तों हमने जो लौकी वाल काट के उबाली थी वो अच्छे से बॉयल हो चुकी है। अब हम इसका सारा पानी निकाल देंगे छलनी में। दोस्तों हमने गैस बंद कर दी है 1 सीटी आने के बाद, और अब हम इसको कुकर को खोल के देखते हैं। देखिए दोस्तों हमारी दाल अच्छे से बॉयल हो चुकी है, अब हम इसको तड़का देंगे। सबसे पहले हम गैस जला करके कढ़ाई गर्म करने रख देते हैं। यह हमने कढ़ाई रख दी है, और इसमें हम देसी घी डालेंगे। यह हम 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल देते हैं, क्योंकि मूंग की दाल में घी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमें घी थोड़ा ज़्यादा रखना है। दोस्तों हम हरा घी गर्म हो चुका है, इसलिए हम इसमें 1/2 चम्मच करीब जीरा डाल देते हैं। साथ में हम इसमें हल्दी डालेंगे 1/2 चम्मच, और 1 चम्मच हम यहाँ पे धनिया पाउडर डालेंगे, और गैस को हम बिल्कुल स्लो कर देते हैं। यहाँ हमने जो प्याज लिए 1 छोटी प्याज, उसको हम आधा डालेंगे, और अच्छे से हम इनको साथ में भून लेते हैं। ये देखिए हमें इस तरह से इनको भूनना है। यहाँ दोस्तों हम ये हमने तेज पत्ता लिया है, इसे भी साथ में डाल देते हैं। 2 से 3 तेज पत्ते हैं, और हम यहाँ पे 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है हमने, इसे भी डालेंगे और साथ में भूनेंगे। यहाँ खड़ी 3 लाल मिर्च हैं, इन सबको हम एक साथ डाल करके अच्छे से भून लेते हैं। गैस को बिल्कुल स्लो रखा है हमने, गैस को आप भी स्लो रखिए, बढ़ाना नहीं है जब तक आपके मसाले भुन रहे हैं, वरना ये मसाले जल जाएंगे, इसलिए हमें इसको। दोस्तों यहाँ पे हम 2 लौंग लेंगे, ये देखिए 2 इलायची है, और 8-10 हमने काली मिर्च ली है, इनको हम एक साथ कूट लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे काली मिर्च, 2 लौंग और 2 इलायची सब हमने एक साथ कूट लिया। इलायची के जो छिलके होते हैं दोस्तों उसे बाहर निकाल दीजिएगा, और इसमें हम साथ में डाल करके एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं।
देखिए खुशबू आने लगी है, मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें एक टमाटर जो हमने काटा छोटा उसे डाल देंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। यहाँ हमने दो हरी मिर्च काट के रखी है दोस्तों, ये देखिए इसे भी हम दाल में डाल देते हैं। अगर आप तीखा खाते हैं तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं मिर्च को, अगर कम खाते हैं तो मिर्च को आप थोड़ा कम कर दीजिए और नमक अपने हिसाब से रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग नमक बहुत कम खाते हैं इसलिए आप नमक अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ डाल सकते हैं। ये देखिए एक चम्मच हमने मेथी पाउडर लिया है, इसे भी हम डालेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, हमने जो लौकी का पानी निकाल के रखा है, लौकी सूखी हो गई है, उसको हम इसमें डाल करके 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए हमने लौकी डाल दी है और इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। पहले से बॉयल हो चुकी है लेकिन हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं आधी चम्मच करीब, और हमने एक चम्मच दाल में डाला है तो आधा चम्मच हम इसमें और ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है वरना नमक ज़्यादा हो सकता है। नमक आप चख लीजिए उसके बाद डालो। अब दोस्तों जितने लोगों के लिए आपको दाल डालनी है बना रहे हो आप उतनी ही दाल इसमें ऐड कीजिए। मैं यहाँ 4 से 5 6 लोगों के लिए बनाऊंगी इसलिए मैं इसमें आधी दाल ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से चलाएंगे। ये देखिए हमारी लौकी और मूंग की दाल की सब्जी कितनी टेस्टी बनी है, ये आप देख सकते हैं। इसे कोई भी खाना पसंद करेगा, जो नहीं खाते हैं उन्हें भी ये अच्छी लगेगी। यहाँ पे हमने एक नींबू का रस निकाल के रखा है, उसे पूरा डाल देते हैं। और हींग का पानी हमने यहाँ तैयार किया है, ये बहुत ज़रूरी है, आप इसे ज़रूर डालिए। एक चम्मच हम यहाँ हींग पानी का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों जो लोग बीमार होते हैं और खाने की इच्छा नहीं होती उनको ये दाल आप ज़रूर बना के खिलाइए, इस तरह से लौकी डाल करके ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। इससे क्या उनका डाइजेस्ट होता है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और उन्हें खुल के भूख लगेगी, वही काफ़ी हल्का होता है अच्छे से उसे पचा सकेंगे। और इसमें कम मात्रा में मसाले भी हमारे, दोस्तों हम इसमें आधे गिलास करीब पानी ऐड करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ आधा गिलास पानी ऐड किया है और हमारी दाल अब कितनी टेस्टी लग रही है देखने में, ये देखिए कितनी टेस्टी है। और गैस को हमने मीडियम कर रखा है, अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढक के पका लेते हैं। इसे दोस्तों 2 मिनट के लिए ढक के पकाना चाहिए। दोस्तों हम चेक कर लेते हैं हमारी दाल बॉयल हो गई, देखिए कितने अच्छे से पूरी अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और अब हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे इस तरह से। जब भी दोस्तों आप किसी को दाल दें तो थोड़ा सा घी असली उसकी दाल में डालिए, दाल गर्म गर्म दीजिए, थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए ऊपर से और गर्मा गर्म हल्की हल्की रोटियां बनाइए। और जो भी मरीज हैं या जो लोग नहीं खाते उनको भी आप खिलाइए, ये बहुत टेस्टी है, यकीन मानिए बहुत हेल्थी है, आपको ये ज़रूर बना के खाना चाहिए। यदि दोस्तों मेरा आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।